हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। क्विक लर्न में मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो है पीएलसी और स्कैडा पे। तो ये पीएलसी और स्कैडा सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डीसीएस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज डीसीएस है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम है। स्कैडा आपका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है। सेंट्रलाइज मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में सारी चीजें हैं, उसकी हेल्प से हम सारे एंटायर प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम है, यानी एक बटा हुआ कंट्रोल सिस्टम है। इसमें एक ही पर्टिकुलर बंदे के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सारे कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं है, वो सारे कंट्रोल फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हैं, बटे हुए हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक कंट्रोल सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस प्लांट को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ढंग से, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इसीलिए बनाया गया क्योंकि मान लीजिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम में अगर आपके स्कैडा सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है या वो पीसी नहीं चल रहा है तो एंटायर प्रोडक्शन प्लांट जो है वो अफेक्टेड होगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है उसमें क्या होता है, कंट्रोल कई जगह कई लोगों के पास है, कई सिस्टम में कंट्रोल है। तो अगर एक पैनल या एक सिस्टम खराब भी हो जाता है तो पूरा प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड नहीं होता, सारा प्रोडक्शन एज इट इज चलता रहता है, केवल एक पर्टिकुलर एरिया जो है या एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है वही अफेक्ट करता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उनकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, उनकी प्रोसेस क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का सबसे पहला क्लेम जो होता है या सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। पूरा ऐसा नहीं कि आपका एक सिस्टम खराब हुआ तो आपका पूरा प्रोडक्शन प्लांट जो है वो बंद हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो दूसरा इक्विपमेंट की हेल्प से हम उस प्रोडक्शन प्लांट को चालू रख सकते हैं। तो ये सिस्टम जो होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी होती है सेफ्टी और दूसरी होती है रिलायबिलिटी, रिलायबल सिस्टम होते हैं डीसीएस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से भी हम किसी भी प्रोडक्शन प्लांट को, इंडस्ट्री को ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे ह्यूमन मशीन इंटरफेस, लॉजिक सॉल्वर, हिस्टोरियन, कॉमन डेटाबेस होता है, अलार्म मैनेजमेंट होता है और कॉमन इंजीनियरिंग सूट्स होते हैं। सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए और पूरे सिस्टम की कॉस्ट को कम करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है इंडस्ट्रीज के लिए या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम आपको बहुत सारे जगह पे आप यूज कर सकते हो। जो भी आपके बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स हैं या ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज हैं या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या फिर आपके कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वाटर मैनेजमेंट प्लांट है, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, सब में हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम और एक डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। तो जो स्कैडा है आपका वो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ पे एक सिंगल कंट्रोलर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है या पूरे कंट्रोल फंक्शन को हैंडल करता है। लेकिन जो डीसीएस है वो हमारा एक डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है, इसमें हम जितनी भी मशीन है या जो भी एलिमेंट है उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रोलर जो है वो लगाते हैं। तो मान लीजिए अगर एक कंट्रोलर या एक डिवाइस खराब भी हो गया तो बाकी सारे डिवाइस जो है वो चलते रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ लोकल कंट्रोलर्स का यूज करता है और सारे कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये एक पीएलसी लगा हुआ है, ये दूसरा पीएलसी है, ये तीसरा पीएलसी है, यहाँ पे ये एक सिस्टम लगा हुआ है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है।
तो इस पीएलसी से देखें, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हैं, यानी आपके सेंसर्स लगे हैं, एक्चुएटर्स लगे हैं, पीआईडीज लगे हुए हैं। इससे भी यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं, इससे भी बहुत सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं। ये सब सारे सिस्टम और सारे एलिमेंट्स एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क से, यानी इथरनेट से कनेक्ट हैं। तो ये आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए अगर हमारा ये वाला पीएलसी जो है वो खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होगा या पूरी प्रोडक्शन लाइन अफेक्टेड होगी। इसका कंट्रोल हम दूसरे पीएलसी को ट्रांसफर कर देंगे और आपका जो प्रोडक्शन है वो एज इट इज चलता रहेगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को और समझने के लिए मैं अपने कमिंग वीडियोस में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डीसीएस का, वो भी आप जरूर देखिएगा। वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डीसीएस क्या होता है। तो होप यू लाइक द वीडियो। इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए।